नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अनवित शिक्षा पर। आज हम तीनों यानी मैं, आप और अनवित शिक्षा, हम तीनों मिलकर करने वाले हैं क्लास 11th की अंतराल बुक के टर्म 2 का पहला चैप्टर, हुसैन की कहानी अपनी ज़बानी। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये एक आत्मकथा है। आत्मकथा यानी अपने बारे में लिखी हुई कहानी है। किसकी कहानी है? मशहूर चित्रकार मकबूल फिदा हुसैन जी की। पाठ का सारांश जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, ये इसमें मैं आपको बता दूं दो तीन चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहली, इस पाठ की विधा क्या है? ये आत्मकथा है, ठीक है। किसकी आत्मकथा है? मशहूर चित्रकार मकबूल फिदा हुसैन जी की। और दूसरा, एक और महत्वपूर्ण चीज़ कि इस पाठ में हम क्या पढ़ने वाले हैं। इस पार्ट में हम लेखक यानी मकबूल फिदा हुसैन जी के जीवन से संबंधित दो भागों के बारे में पढ़ेंगे। पहला भाग है बड़ौदा का बोर्डिंग स्कूल और दूसरा रानीपुर बाज़ार। यानी कि ये जो आपका पार्ट है दोस्तों, ये दो भागों में बटा हुआ है। ये जो आत्मकथा है हुसैन जी की, उन्होंने जो लिखी होगी उसके दो भाग आपकी बुक में लिए गए हैं। पहला है बड़ौदा का बोर्डिंग स्कूल। बड़ौदा एक जगह का नाम है जो कि गुजरात में है, उसका बोर्डिंग स्कूल जहाँ लेखक को भेज दिया गया था। और दूसरा उनके जीवन का एक भाग है रानीपुर बाज़ार। तो ये दो पार्ट, एक ही पार्ट दो भागों में आपका बांटा गया है। तो क्या है दोनों भागों में, चलिए पढ़ते हैं। बड़ौदा का बोर्डिंग स्कूल, पहले हम ये पढ़ेंगे कि बड़ौदा के बोर्डिंग स्कूल में क्या था। दोस्तों, इसे शुरू करने से पहले मैं एक ज़रूरी बात आपसे कह देना चाहती हूँ कि अगर आपने अभी तक अनवित शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके न सिर्फ हिंदी के लिए बल्कि आपके दूसरे सब्जेक्ट्स के नोट्स के लिए भी आप अनवित शिक्षा को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको न सिर्फ दूसरे सब्जेक्ट्स के नोट यहाँ अवेलेबल होंगे, इंपॉर्टेंट नोट्स मिलेंगे, बल्कि आपके क्वेश्चन पेपर्स, आंसर कीज़, CBSE से आने वाली अपडेट्स, आपका सिलेबस, आपके चैप्टर्स रहते हैं। पहले हम पढ़ेंगे बड़ौदा का बोर्डिंग स्कूल, ठीक है, जो कि आपके पाठ का पहला भाग है। प्रस्तुत पाठ हुसैन की कहानी अपनी ज़बानी का प्रथम भाग बड़ौदा का बोर्डिंग स्कूल शीर्षक से उल्लेखित है, राइट। इस भाग में लेखक अपने विद्यार्थी जीवन से जुड़ी बातें करते हैं। क्या बातें कर रहे हैं? अपने विद्यार्थी जीवन से जुड़ी हुई, यानी कि जिस समय वो पढ़ते थे, यहीं पर उनकी रचनात्मक प्रतिभा को हौसला मिला और उनकी प्रतिभा निखर कर सामने आई। कहाँ पर? बोर्डिंग स्कूल में। बोर्डिंग स्कूल कहाँ था? बड़ौदा में, जब लेखक के दादा चल बसे। तो इस कहानी में एक और जिक्र किया गया है कि लेखक जो था वो अपने दादा से, उन्हें बड़ा प्रेम था, बड़ा प्यार करते थे। जब उनके दादाजी का देहांत हो गया, वो चल बसे, तो लेखक उनके कमरे से बाहर नहीं निकलते थे, उनकी यादों में खोए रहते थे। उनके कमरे में ही वो बैठे रहते थे, उनकी रजाई में, उनके कंबल में, उनकी चद्दर में। तो इस तरह से जब वो उदास रहते थे, गुमसुम रहते थे, किसी से बात नहीं करते थे, तो उनके पिता ने सोचा, क्या सोचा उनके पिता ने सोचा कि लेखक को बोर्डिंग स्कूल भेज दिया जाए, वो वहाँ पर अपने दोस्तों के साथ रहेगा, लड़कों के बीच में रहेगा, तो उनका मन लगा रहेगा, ठीक है। देखिए, जैसा कि आपके चैप्टर में दिया हुआ है कि वो अपने दादा के कमरे में बंद रहने लगे, घर वालों से बातचीत बंद हो गई, तो इसलिए अब्बा ने उसे बड़ौदा के बोर्डिंग स्कूल में इस उम्मीद से दाखिल करवा दिया कि वहाँ पर लड़कों के साथ पढ़ाई के अलावा मजहबी तालीम, रोज़ा, नमाज, अच्छे आचरण के 40 सबक और पाकिजगी के 12 तरीके सीख जाएगा। यानी कि बड़ौदा के बोर्डिंग स्कूल में लेखक को एडमिट करवाने का, उनका एडमिशन करवाने का अब्बा जी का क्या उद्देश्य था उसके पीछे? उसके पीछे अब्बा जी के दो उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य था कि वहाँ पर लड़कों के साथ वो पढ़ाई तो कर ही लेगा, उनका मन तो लग ही जाएगा, दादाजी की यादों से वो बाहर निकल आएगा, इसके अलावा वो मजहबी तालीम भी ले सकेगा। मजहबी यानी अपने धर्म की, अपने धर्म से संबंधित तालीम, अपने धर्म से संबंधित शिक्षा भी उसे मिल सकेगी। वो रोज़ा, नमाज और अच्छे आचरण के जो 40 सबक इस्लाम धर्म में सिखाए जाते हैं, पाकिजगी के जो 12 तरीके बताए गए हैं, इस तरह की चीज़ें भी लेखक वहाँ पर सीख जाएगा जो वो घर में रह के नहीं सीख सकेगा। यानी कि दो उद्देश्य हुए, एक तो वो दादाजी की यादों से बाहर आ सकेगा, दूसरी उनकी अपनी पढ़ाई जो है वो अच्छी तरह हो सकेगी, और तीसरी वो मजहबी तालीम भी ले सकेंगे, यानी कि अपने धर्म के विषय में भी जान सकेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पर चलेंगे। ये इमेज जो आप देख रहे हैं दोस्तों अपनी स्क्रीन पर, ये मकबूल फिदा हुसैन जी की है। ये वाली इमेज जो आप देख पा रहे हैं, ये मकबूल फिदा हुसैन जी हैं, मशहूर चित्रकार जिनकी कहानी हम पढ़ रहे हैं। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है। जब लेखक को बोर्डिंग स्कूल कैंपस के हवाले कर दिया गया तो वो बोर्डिंग का हिस्सा बन जाता है और वहाँ पर उनकी जो दोस्ती होती है वो
छह लड़कों से होती है, छह लड़कों से दोस्ती नहीं होती दोस्तों, छह लड़के वो हुसैन जी को मिलाकर होते हैं, उनके पांच दोस्त होते हैं और ये पांचों दोस्त बोर्डिंग में जब साथ होते हैं तो बहुत अच्छी मित्रता होती है। और बोर्डिंग स्कूल ख़त्म करने के बाद ये लोग अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं, जैसा कि जीवन में अक्सर होता है, हम अपने अपने काम के हिसाब से हमारे दोस्त बिछड़ते चले जाते हैं। लेकिन ये पांचों छह के छह फ्रेंड्स जो थे वो अलग अलग दिशा में चले गए, लेकिन फिर भी इनकी दोस्ती बनी रही, यानी कि इनका आपस में टच नहीं टूटा, इनका आपस में रिश्ता नहीं टूटा। अब देख लेते हैं कौन से पांच दोस्त थे इनके। पहला दोस्त था मोहम्मद इब्राहिम गोहर अली, जो डभोई का अत्तर व्यापारी बन गया। दूसरा था अरशद, जो सियाजी रेडियो की आवाज़ बन गया। तीसरा हामिद कंबर हुसैन, जो कुश्ती और दंड बैठक का शौकीन था, खुश मिजाज था और बात में बात मिलाने में उस्ताद। चौथा अब्बास जी अहमद और पांचवा था अब्बास अली फिदा। ये लेखक के पांच दोस्त थे। जो बोर्डिंग की कहानी है दोस्तों वो यही है कि यहाँ पर इन्होंने काफ़ी कुछ सीखा और पांच ऐसे दोस्त इन्हें मिले जो जीवन भर इनके साथ रहे, राइट? अब देखेंगे और क्या इम्पोर्टेंट है। एक और चीज़ जो स्कूल में हुसैन जी ने सीखी थी, स्कूल में मकबूल ने ड्राइंग मास्टर द्वारा ब्लैक बोर्ड पर बनाई चिड़िया पक्षी की स्लेट पर हूबहू नकल बनाकर और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के मौके पर गांधी जी का पोर्ट्रेट ब्लैक बोर्ड पर इन्होंने बनाया था। अपनी जन्मजात और बेहतरीन कला का परिचय दिया और सबका दिल जीत लिया। इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है बच्चों कि लेखक ने अपनी प्रतिभा का परिचय कैसे दिया, या लोगों को कैसे पता चला कि लेखक में चित्रकारी की जन्मजात प्रतिभा है। तो वो दो तरीक़ों से पता चला कि एक तो जो टीचर जो थे वो ब्लैक बोर्ड पर जो भी चिड़िया या पक्षी का चित्र बनाते थे तो हुसैन जो थे वो अपनी स्लेट पर हूबहू उसे बना देते थे, यानी कि एज इट इज़ बना देते थे। और एक बार उन्होंने 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के मौके पर गांधी जी का पोर्ट्रेट ब्लैक बोर्ड पर बनाया था, ठीक है? तो जिससे लोगों को पता चला कि वाकई उनके अंदर चित्रकारी की प्रतिभा है। अब ये आपका आ गया है पाठ का दूसरा भाग जो है रानीपुर बाजार, ठीक है? अब बोर्डिंग स्कूल में हमने पढ़ा कि स्कूली जीवन में उनके साथ क्या रहा, उनके दोस्त रहे, उन्होंने क्या सीखा, किस तरह से उनकी प्रतिभा का लोगों को पता चला। अब ये है उसके बाद की कहानी, जब बोर्डिंग से लेखक वापस रानीपुर आ जाता है, जो कि उनका मातृक पैतृक स्थान है, रानीपुर आ जाता है, उसके बाद क्या होता है। तो रानीपुर आने के बाद लेखक के पिता क्या चाहते थे कि लेखक अपने पारिवारिक या पुश्तैनी व्यवसाय को स्वीकार कर ले, ठीक है? यानी कि लोग चाहते थे कि जो उनका व्यवसाय है लेखक उसको अपना ले, लेकिन हुसैन साहब के अंदर का कलाकार उनसे चित्रकारी कराता ही रहता था। कैसे कराता रहता था उनके अंदर का चित्रकार, तो यहाँ देखेंगे। जब रानीपुरा बाज़ार में चाचा मुरीद अली की दुकान पर लेखक को बैठाया जाता था, लेखक के पिता ने क्या किया कि उन्होंने लेखक को उनके चाचा जिनका नाम मुराद अली था उनकी दुकान पर भेजना शुरू कर दिया कि तुम वहाँ जाओ और वहाँ से तुम व्यवसाय की तकनीकें सीखो, यानी कि बिज़नेस कैसे किया जाता है तुम वहाँ जाकर ये सीखो। हुसैन वहाँ जाते थे, रोज उन्हें दुकान पर बिठा दिया जाता था, लेकिन वहाँ जाके भी वो क्या करते थे, वो कहीं ना कहीं की ड्राइंग और पेंटिंग के बारे में सोचते और बनाते रहते थे। यानी कि उस बिज़नेस में उनका मन नहीं लगता था, उस हिसाब किताब में उनका मन नहीं लगता था, वो दुकान पर बैठ के भी क्या करते थे, वो वहाँ बैठे बैठे भी ड्राइंग पेंटिंग के बारे में सोचते रहते थे और आने जाने वालों की तस्वीर और चित्र बनाते रहते थे, ठीक है? किस किस की तस्वीरें बनाई उन्होंने, कभी गेहूँ की बोरी उठाए हुए मजदूर की, ये क्या हो गया, राइट, कभी गेहूं की बोरी उठाए हुए मजदूर की, कभी घूंघट ताने मेहतरानी का, कभी बुर्का पहने औरत की, तो कभी बकरी के बच्चे का स्केच उन्होंने बनाया। एक और महत्वपूर्ण घटना उनके जीवन की जो हम यहाँ पढ़ेंगे, कोल्हापुर के शांताराम की फिल्म सिंहगढ़। एक पहले क्या होता था बच्चों, मूक फिल्में हुआ करती थी, तो मूक फिल्मों के समय पर एक गाड़ी के ऊपर फिल्मों के पोस्टर लगाकर उन्हें गली गली घुमाया जाता था ताकि फिल्मों का प्रचार हो। तो एक बार लेखक ने क्या देखा कि एक सिंहगढ़ नाम की फिल्म का पोस्टर था जो रंगीन पतंग के कागज़ पर छपा था, मराठा योद्धा था, हाथ में तलवार थी, ठीक है? तो इस पोस्टर को देख के हुसैन साहब को ऑयल पेंटिंग बनाने का ख्याल आया। यहाँ आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि लेखक को ऑयल पेंटिंग बनाने का ख्याल कैसे आया, कब आया और कैसे आया, ठीक है? तो कब आया, अपने चाचा की दुकान पर बैठे बैठे जब उन्होंने सिंहगढ़ फिल्म का पोस्टर देखा, ठीक है, उस पर जो मराठा योद्धा बना था उसके हाथ में जो तलवार थी उसे जब देखा लेखक ने, तो उनके मन में ये ख्याल आया कि मैं ऑयल पेंटिंग बनाऊंगा,
और उस समय लेखक जो थे वो रंगीन चौक या फिर जो वॉटर कलर आपके होते हैं वो उनसे पेंटिंग बनाया करते थे, उनके पास ऑयल कलर नहीं थे, ऑयल पेंटिंग बनाने के लिए कलर नहीं थे। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, उनके अंदर ऑयल पेंटिंग बनाने का जुनून इतना चढ़ा कि उन्होंने अपनी किताबें बेचकर ऑयल पेंटिंग कलर खरीदे। ठीक है, उन्होंने अपनी किताबें बेच दी और ऑयल पेंटिंग कलर खरीद लाए ऑयल पेंटिंग बनाने के लिए। ठीक है, तो अब इस ऑयल पेंटिंग का क्या नतीजा हुआ, अब इस ऑयल पेंटिंग का नतीजा ये हुआ कि चाचा बहुत नाराज़ हुए, हुसैन के अब्बा से शिकायत कर दी कि ये आपका बच्चा जो है वो दुकान पर बैठकर बिजनेस नहीं सीख रहा, व्यवसाय नहीं सीख रहा है, ये वहाँ बैठकर पेंटिंग बनाता है। लेकिन जब अब्बा ने हुसैन की पेंटिंग देखी तो हुसैन की चित्रकारी के प्रति समर्पण को देखकर उसे गले लगा लिया। यानी कि जब अब्बा ने देखी तो अब्बा नाराज़ नहीं हुए, उन्होंने हुसैन को गले लगा लिया। राइट, अब एक और इम्पॉर्टेंट घटना जो लेखक के जीवन की आ रही है, एक दफ़ा की घटना है, एक दफ़ा यानी बार, एक बार की घटना है। हुसैन साहब इंदौर सराफा बाज़ार के करीब तांबे पीतल की दुकानों की गली में लैंडस्केप बना रहे थे। लैंडस्केप पिक्चर का जो चित्रकारी हम करते हैं उसका एक प्रकार होता है, लैंडस्केप बना रहे थे। वहीं पर उनसे बेंद्रे साहब भी ऑन स्पॉट पेंटिंग करते हुए देखे। वहाँ पर उन्होंने एक बेंद्रे साहब नाम के व्यक्ति को देखा जो वहीं पर ऑन स्पॉट पेंटिंग कर रहे थे। हुसैन साहब को बेंद्रे साहब की टेक्निक बहुत पसंद आई। इस इत्तेफाकी मुलाकात के बाद हुसैन साहब अक्सर बेंद्रे के साथ लैंडस्केप पेंट करने जाने लगे। यानी कि इस तरह से उनकी दोस्ती हो गई इत्तेफाक से ही। अब आगे है आपके लिए, एक रोज़ मकबूल यानी हुसैन साहब ने बेंद्रे साहब को अपने पिता से मिलवाया। एक बार एक रोज़ क्या हुआ, रोज़ यानी दिन, एक रोज़ क्या हुआ कि हुसैन ने बेंद्रे साहब को अपने पिता से मिलवाया। तो बेंद्रे साहब ने पिताजी को क्या बताया कि जो हुसैन है, जो हुसैन है वो चित्रकारी को अपना हुनर बना सकते हैं, अपना व्यवसाय बना सकते हैं। जब बेंद्रे साहब ने डिटेल से इस बारे में बताया बेंद्रे साहब ने, तो मकबूल के पिता ने क्या किया, उन्होंने मुंबई से विंसर न्यूटन ऑयल ट्यूब और कैनवस हुसैन के लिए मंगवा दिए। ठीक है, ये उस समय के काफ़ी महंगे कलर हुआ करते थे, ये अब भी काफ़ी महंगे आते हैं। मुंबई से विंसर न्यूटन ऑयल ट्यूब और कैनवस उन्होंने हुसैन के लिए मंगवा दिए। हुसैन के अब्बा की रोशन ख्याली न जाने कैसे 50 साल की दूरी नज़रअंदाज कर गई और बेंद्रे के मशवरे पर उसने अपने बेटे की तमाम रिवायती बंदिशों को तोड़ फेंका और कहा, बेटा जाओ और ज़िंदगी को रंगों से भर दो। कितनी खूबसूरत लाइन उनके पिता ने कही। अगर उस समय उनके पिता ने उन्हें ये आज़ादी ना दी होती, अपने व्यवसाय में ज़बरदस्ती लगा दिया होता, तो वो कभी भी जीवन में इतने बड़े चित्रकार नहीं बन पाते। तो ये उनके अब्बा का ही सपोर्ट था, उनके अब्बा की ही रोशन ख्याली थी। रोशन ख्याली यानी आगे वो देख पाते थे कि उन्होंने अपने बेटे को हुसैन को इतना सपोर्ट किया और हुसैन मकबूल पिता हुसैन देश के बहुत बड़े चित्रकार बने, तो उनके पिता का ही सपोर्ट था। अब थोड़ा सा हम जानेंगे मकबूल फिदा हुसैन जी के बारे में, इनकी जीवनी के बारे में। तो ये मकबूल फिदा हुसैन जी बहुत ही जाने माने, एक मिनट मैं स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा करना चाहूँगी ताकि आप आसानी से देख पाएँ। मकबूल फिदा हुसैन का जीवन परिचय हम देख रहे हैं। मकबूल फिदा हुसैन देश के जाने माने चित्रकार और लेखक थे। ठीक है, और शुरुआती जीवन को इस कहानी के माध्यम से उनकी पेश किया गया है। बहुत ही क्रियात्मक बुद्धि के थे, कला के क्षेत्र में उनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। फिल्म जगत के लिए भी अनेक प्रकार के विज्ञापन होर्डिंग उन्होंने बनाए हैं। उन्होंने ऑयल पेंटिंग का भी बड़ी खूबसूरती और सलीके से प्रयोग किया है। और एक और महत्वपूर्ण बात बच्चों, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन रहा है आपका, हुसैन साहब को 1966 में पद्मश्री और 1973 में पद्म भूषण सम्मान से अलंकृत किया जा चुका है। पद्मश्री और पद्म भूषण जो हैं वो भारत सरकार के बहुत बड़े पुरस्कार हैं, जो विशिष्ट व्यक्तियों को ही दिए जाते हैं जो किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट काम करते हैं। तो हुसैन साहब को 1966 में पद्मश्री और 1973 में पद्म भूषण दोनों सम्मान मिल चुके हैं। ये आपका दो नंबर का क्वेश्चन भी बनता है कि हुसैन साहब को कौन कौन से पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। राइट, तो आप इसको याद कर लेंगे, 1966 में पद्मश्री और 1973 में पद्म भूषण से। अब कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें, हुसैन की कहानी अपनी ज़बानी पाठ से संबंधित इम्पॉर्टेंट शब्दार्थ।
इसमें बच्चों ये जो पार्ट है, हुसैन साहब जो है वो क्योंकि उर्दू भाषी थे वो, ठीक है, उर्दू भाषा से इत्तेफाक रखते थे, तो ज़्यादातर शब्द जो हैं वो इस पार्ट में आपकी उर्दू भाषा के भी हैं, तो आपके समझने के लिए यहाँ पर उनके अर्थ दिए गए हैं। रिवायती यानी पारंपरिक, सिजदा खुदा के आगे सिर झुकाना या माथा टेकना, जो आप नमाज के वक्त या पूजा करते समय करते हैं। स्केच का मतलब है चित्र। अत्तर, जो उनका एक दोस्त था वो अत्तर व्यापारी बन गया था, वो अत्तर क्या था, सुगंध या इत्र, ठीक है, इत्र यानी जिसे आप परफ्यूम भी कहते हैं, इत्र का बिजनेस जो था उसे अत्तर कहा गया। पाकिजगी यानी पवित्रता और शुद्धता। राइट, आगे चलेंगे। मजहबी, धर्म विशेष से संबंध रखने वाला। रोशन ख्याली, आज़ाद ख्याल या खुले दिमाग का। महतरानी, सफाई का काम करने वाली स्त्री। पोर्ट्रेट, हाथ से बनी हुई तस्वीर, दिलकश, मन को लुभाने वाला। अर्केतिहाल, ये यूनानी दवा का एक नाम है। हीले, टाल मटोल या बहाने बनाना। और टिंटेड पेपर, चित्रकला में प्रयुक्त होने वाला एक कागज़। टिंटेड पेपर होता है जिस पर चित्रकला बनाई जाती है, ड्राइंग की जाती है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको चैप्टर को समझाने में सक्सेसफुल रही होगी, सफल रही होगी। इस वीडियो की हेल्प से आपको चैप्टर समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अपने लिए हेल्पफुल लगी है तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ, साथियों के साथ, क्लासमेट्स के साथ ज़रूर शेयर करें, और आपके अपने चैनल अनवी शिक्षा को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अनवी शिक्षा को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इसी तरह की वीडियोज़ आपको आगे भी मिलती रहें। थैंक यू।